हाँ फिर से। मेरा नाम विजय शंकर पात्रे है, मैं सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का चयनित सहायक प्राध्यापक हूँ विषय वनस्पति शास्त्र से। मेरा चयन जो है आरक्षण अधिनियम 2012 के अनुसार 12% आरक्षण के अनुसार हुआ है। उच्च न्यायालय का आदेश WPS 3898/2022 के अनुसार मुझे 1 महीने के अंदर पदस्थापना देना था। ये आदेश जो है अक्टूबर 2023 में आया था, 9 अक्टूबर को, आज 10 महीने होने वाले हैं और मुझे आज तक जो है उच्च शिक्षा विभाग नियुक्ति आदेश नहीं दे रहा है। उच्च शिक्षा विभाग में जो है अंधेरी नगरी चौपट राज चल रहा है, ये जो है न्यायालय आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, आरक्षण अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं। एक अन्य याचिका है WPS 6358/2022, इस याचिका के अनुसार सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में आरक्षण अधिनियम 1994 को लागू किया जाना था। यदि आरक्षण अधिनियम 1994 लागू होगा तो अनुसूचित जाति SC जहाँ से मैं आता हूँ यहाँ पर 4% सीट बढ़ेगा और अनरिजर्व कैटेगरी में 8% सीट बढ़ेगा और OBC यथावत रहेगा, लेकिन इस 1994 लागू होने से अनुसूचित जनजाति ST वर्ग में 12% सीट जो है वो घट जाएगा और वो जो है अभी जो वर्तमान 32% चल रहा है 12 के अनुसार वो 1994 के अनुसार जो है वो 20% हो जाएगा। इसलिए जो है अनुसूचित जनजाति का सीट यहाँ रोका जाना चाहिए था WPS 6358/2022 के लिए, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग जो है चौपट राज की तरह काम कर रहा है और इसमें जो है अनुसूचित जाति का सीट रोक दिया है मेरी नियुक्ति आदेश रोक करके। क्योंकि यहाँ पर सीट मेरा सीट बढ़ना है SC कैटेगरी में, तो मेरे इसको रोकने का कोई तुक नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं बनता। और इस तरीके से जो है मैं ये जो आदेश 11 मार्च 2024 को उच्च शिक्षा विभाग जारी किया था, दोषपूर्ण आदेश जिसने WPS 6358/2022 की हत्या कर दिया है, जिस पर्पज़ से इस याचिका को लगाया गया था वही पर्पज़ ख़त्म कर दिया उच्च शिक्षा विभाग ने। और आरक्षण अधिनियम 1994 को अवहेलना किया, आरक्षण अधिनियम 2012 का अवहेलना करा मेरे नियुक्ति आदेश रोक करके।